नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल नहीं मानी हार। खुद फूलों की पौध तैयार की और हर जगह पर निशुल्क बांटी और अपने गांव की तस्वीर तक बदल डाली। जी हां, हम बात कर रहे हैं गांव दड़बी की और एक ऐसे पर्यावरण प्रेमी की जिनका नाम है डॉक्टर रामजी लाल जैमल। उन्होंने ऐसे फूलों को विकसित किया कि आज उनके पास हजारों तरह के फूलों का कलेक्शन है और इन्हीं बीजों से वो करोड़ों पौधे तैयार करते हैं। बात केवल यहाँ तक सीमित नहीं है। अगर हम उनकी जुनून और प्रकृति के साथ प्रेम की बात करें तो हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों पौधे वे हर साल लोगों को फ्री में वितरित करते हैं। हजारों पौधे बांटने की शुरुआत करने वाले रामजी लाल जैमल आज करोड़ों पौधे हर जगह पर भेजते हैं। ये केवल अपने जिला गांव ही नहीं बल्कि राज्य ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में बल्कि पूरे भारत में अलग अलग जगह भेजते भी हैं। सैकड़ों तरह की वैरायटी के फूल आज भी उनके खेतों में देखने को मिलेंगे। उन्होंने सिरसा के गांव दड़बी के स्कूल के आसपास लोग कूड़ा न डालें इसके लिए उन्होंने चारों तरफ बाउंड्री पर फूलों के पौधे लगवा दिए। हालांकि इसका गांव वालों ने विरोध भी किया। इतना ही नहीं बल्कि परिवार वालों ने भी ग्रामीणों का साथ दिया, लेकिन वे डटे रहे और उन्होंने अपने जुनून और सामर्थ्य के बल पर इस गरिमामयी कार्य को इतना आगे तक ले आए। हजारों वीआईपीज पौधे लेने के लिए वहां पहुंचते हैं। दोस्तों, किसान अपनी आजीविका चलाने के लिए खेती करता है और फसल बेच करके अपना घर चलाता है, लेकिन जिले का ये एक ऐसा किसान है जो अपने हिस्से की ज़मीन पर फसल नहीं बल्कि फल और फूलदार पौधों को तैयार करता है और उन्हें बेचता नहीं बल्कि फ्री में बांट देता है। अगर हम बात करें पिछले वर्ष की तो 15 करोड़ पौधे इन्होंने फ्री में बांटे थे, जिस कारण इस पर्यावरण प्रहरी को हाई कोर्ट की सामाजिक संस्था सर्विंग इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल इनिशिएटिव यानी सियोल ने 1,00,000 रुपये नगद इनाम के साथ साथ सिटीजन ग्रीन अवार्ड से सम्मानित भी किया। रामजीलाल जयमल एक किसान फैमिली से ताल्लुक रखने वाले एक पैसे से आयुर्वेदिक चिकित्सक भी हैं और हाल ही में वे चाय पत्ती और साबुन का व्यापार भी करते हैं। वे 10 वर्षों से ये कार्य अपने खेतों में कर रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले 20,000 पौधे बांटने से ये अपना काम शुरू किया था, लेकिन आज ये 2018 में 15 करोड़ पौधे बांट चुके हैं। इन्हें सिटीजन ग्रीन अवार्ड, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य युवा पुरस्कार, भारतीय युवा शक्ति नई दिल्ली सरकार की ओर से चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार सहित 25 ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने इन्हें सम्मानित भी किया है। सिरसा से शुरू हुआ डॉक्टर रामजी जैमल का यह कारवां तेजी से आगे बढ़ता चला गया। जिन्हें डॉक्टर रामजी जैमल ने फ्री पौधे बांटे उन्हें भी आगे इसी तरह से फ्री पौधे वितरित करने का यह अभियान शुरू कर दिया। आपसी नाम से संचालित एनजीओ वह उनके साथ में काम कर रहा है और इनके अहम भूमिका एनिमल हस्बेंड्री विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुनील कुमार गुलाटी, पूर्णचंद जोशी पंजाब सरकार के टीचर, विकास कंबोज, जगदीश सिंह, परविंदर बरुवाली, जोगेंद्र जोगी, शमशेर मलिक, डॉक्टर दलबीर सिंह, संदीप कुमार निभा रहे हैं। वे इनके कंधे से कंधा मिलाकर के हमेशा साथ चलते हैं। ये ऐसे शख्स हैं जो कि न केवल पौध तैयार करने के लिए बल्कि अपनी कृषि भूमि निःशुल्क उपलब्ध भी करवाते रहते हैं और हालांकि वे काम भी इनमें निःशुल्क करते हैं। आइए जानते हैं कुछ खास बातें डॉक्टर रामजी लाल जैमल से इस विशेष रिपोर्ट में। डॉक्टर साहब, ये प्रेरणा तुम कितों मिली तो हूँ तक तुम किन्ने बूटे वंड चुके हो तो क्यों वंड रहे हो? पहले पहल जी, शुरुआत जिहड़ी कीती उह मेरे पिंड च किते पशु सट्टण दी जगह नहीं है, हड्डा रोड़ी नहीं है, तो वह जिहड़े पशु सी उह साढ़े स्कूल दे नेड़े सट्टे जांदे सी जिहदे नाल स्कूल च बदबू जांदी सी, तो उन्हां नूं हटाण वास्ते उहदी जगह ते फुल लाए और उत्थे मैनूं बहुत वधिया कामयाबी मिली। उस तो बाद मैनूं शुरू होया वंडण वास्ते, मैनूं समझ आई कि जिहड़ी परमानेंट स्वच्छता है वह इन्हां फुल्लां नाल रखी जा सकती है। और मैं उन्होंने वंडना स्टार्ट किया। पहले साल असी 20,000 बूटे लाए से जिन्होंने वंड नहीं पाए और पिछले साल असी 12 करोड़ बूटे जोड़ा है वो वंड पाए। 12 साल लगातार मतलब हर साल वधते ही गए। हुण तक किन्ने बूटे वंड चुके हो? अरब नालों ज़्यादा। दुनिया का सब तो प्रदूषित जड़ा सिटी हैगा वो साढ़े
हरियाणा गुड़गांव है जी, उस नु तुसी की सोचदे हो, किदा सोचदे हो भी क्यों वो प्रदूषित है, तो उस नु प्रदूषित तो बचाने वास्ते की किया जाना चाहिए? उहदे प्रदूषण का जिहड़ा मुख कारण है वह यह है कि उत्थे वहीकल्स जिहड़े ने जिहड़े साधन ने वह ज़्यादा जिहड़ी हवा है उसनु प्रदूषित कर रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण भी है उत्थे, हवा का प्रदूषण भी है, और उन्हें साफ करने वास्ते मैं समझदा कि जिहड़ा साडा फॉरैसट का एरिया है उन्हें ग्रीन किया जाना चाहिए, उहदे विच वो रुख होर वधाए जाने चाहिए सी, जिहदा साडी सरकार ने एक फैसला ले लिया कि उन्हें प्राइवेट हत्थां च दे दिता जाऊगा या खत्म कर दिता जाऊगा, तो होर वधाउण की तरफ असी जा रहे हैं, जदों कि चाहिए यह सी कि उत्थे असी बड़ पिप्पल इस तरह के रुख लाउंदे जिहड़े 24 घंटे ऑक्सीजन पैदा करते हैं। की समस्यावां आ रही ने तुहानू इस तुहाडी इस नूं फैलाउण वास्ते? मैं मेरे ख्याल च जिहड़ा मेरा जिहड़ा इहनूं अगे वधाउण दा जिहड़ा प्रचार प्रसार दा जिहड़ा माध्यम सी ओह मेरे नाल नहीं लग पाया हुण तक। मैं सब तो वड्डी कमजोरी मंदा हाँ, साडे देश दी परिस्थितियां जो ने असी सारे समझदे हाँ, मैं उत्थों उम्मीद नहीं रखता, लेकिन मैं मेरे मीडिया दे साथियों तो प्रचार प्रसार वाले लोगों तो उम्मीद करदा सी कि ओह मेरा बहुत सहयोग करनगे, जिहदे विच मतलब मैनूं कमजोरी नज़र आउंदी है। प्रशासनिक तौर पर मेरे मित्र ने मेरे अपने आदरणीय पूजनीय ने गुलाटी जी एको आदमी मेरे नाल खड़ा और लखां वर्गा है, मैं जिथे लोड़ पैंदी मेरे नाल खड़े हो जाते हैं और अगे वध के मेरे नाल काम कर रहे हैं। मतलब 12 करोड़ बूटे वंड के उन्हां दी वधिया परसेंटेज लवाना अपने आप च एक उपलब्धि मंदा हां मैं, जिहड़ा उन्हां करके ही संभव हो पाया, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर करके ही संभव हो पाया। लोकल प्रशासन ने मेरा सहयोग कभी नहीं किया। देखिए साहब, मैं जो शुरू किया उदों मैं कला सी, मेरा समाजिक बहिष्कार वर्गी स्थिति सी पिंड च, क्योंकि मैं पिंड दे उस एरिए च कब्जा करन दी कोशिश कीती जिथे पिंड डंगर सिटदा सी, गंदगी स्कूल दे आसे पासे रखदा सी, समाजिक बहिष्कार वर्गी परिस्थिति सी। अज यह है कि 12 करोड़ बूटियां नूं वंडना अपने आप च बहुत वड्डी गल है। देखो मैं आर्थिक रूप च कमजोर आदमी हाँ, वो टोटल लोगों का ही सहयोग है, 12 करोड़ बूटे बीजने, उन्हां नूं पट्टना, पैक करना, लोगों नूं देना, उहदे वास्ते जिन्नी भी पब्लिक की जरूरत पैंदी है सब मेरे सज्जन मित्र आउंदे है। पिंड दे आसे पासे दे पिंडां दे, मतलब मैं देखिया जी, देखो इन्हां नूं अगर तुसीं कैमरे विच दिखा पाओ, ये मेरे मित्र ने योगिंदर योगी जी, ये जदों कैबिनेट मिनिस्टर दा दर्जा हुंदा सी इन्हां कोल उदों भी मेरे बूटे पट्टण आउंदे हुंदे सी, ते अज भी मेरे बूटे पट्टण आउंदे, ये हांसी तो आउंदे, ये बहुत सारे तुसीं देख रहे हो ना सज्जणा चो, कोई हांसी तो आया, कोई हिसार तो, फिरोजपुर तो, फाजिलका तो, बरनाले तो, लोग सेवा वास्ते आउंदे, दूरों दूरों लोग सेवा वास्ते आउंदे। अज असीं एक पिंड ते निर्भर नहीं हैगे, बल्कि मैं कहांगा कि हिमाचल तो भी कुछ सज्जण आउंदे, बहुत दूरों दूरों लोग सेवा वास्ते आउंदे, तो छोटा जा नहीं है कि आपां 10 या 20 या 200 400 बंदे पूरा कर लेंगे हर रोज़, मतलब तुहानू करोड़ दे आसे पासे बूटा पट्टना है और उन्हें पट्टना जाना समेत पट्टना है, फिर उन्हें तुसी पैक करना, तो उहदे वास्ते बहुत बंदियां दी लोड़ हुंदी है। किवें गिनती करदे तुसी भई इन्ने बूटे असीं ला लैणे, उहनां दी तुहाडी गिनती किद्दां हुंदी है? जदों असीं पनीरी बीजदे हाँ वरायटी वाइस, उहदे स्क्वेयर फुट लैके और उहदे विच असीं गिण लैंदे हां कि एक स्क्वेयर फुट विच इन्ना है, उस तो बाद जिन्ने स्क्वेयर फुट साडा एरिया हुंदा है उस नूं असीं उहदे नाल मल्टीप्लाई कर लैंदे हां, उह गिनती हो जांदी है। केवल मैं समझदा जी, मैनूं इहदे विचों वो प्रेम मिलता है, वह मिलता है जो लोग पालते फिरते रहेंगे, मैं सिर्फ इनू लाने च देखो मैं इन्हों गल कर लैंना, मैं इन्हों प्रेम है, चाहे मैं जवाब आता है जो भी आता, लेकिन मैं अपने अंदरों ये बहुत राजी हाँ, मेरी जिंदगी मतलब बहुत खुश है। ठीक है, तो आर्थिक समस्यावान भी आदि तो इस मामले में अगे चलाने वास्ते जी, असी जो करोड़ों की गल करते हाँ, मैं एक आम आम परिवार चो हाँ, अज तक मैं कभी भी साडियां सरकार तो किसी प्राइवेट संस्था तो या किसी बंदे तो कदे भी किसी टाइप का कोई भी आर्थिक मदद नहीं ली मैं कभी भी। तो समस्यावां तो देखो जी, एडा वड्डा तुसी रॉयल शौक पाल लिया गरीब बंदे ने, तो औकड़ा तो आउणगियां, लेकिन अज तक पूरा हो रहा, मालिक करेगा अगे भी पूरा होगा। तो प्रशासन वालों कोई किसी किस्म का सहयोग आर्थिक रूप से कोई नहीं? कभी मैं जिंदगी सरकार तो प्राइवेट बंदे तो मैं तुहानूं दस्सिया कि कभी भी जिंदगी गवर्नमेंट तो किसी संस्था तो किसी बंदे तो
या किसी भी प्राइवेट तो कभी भी जिंदगी किसी भी टाइप की कोई आर्थिक मदद नहीं ली। ਬੀਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੀਜ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਬੀਜ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬੀਜ? ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ 14 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਖੇਤ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਸਾਨੂੰ ਵਰਾਇਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਡੇਲੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੱਟਣਾ ਪਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗਜ਼ੇਨੀਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ 43 'ਚੋਂ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ 44 ਵਰਾਇਟੀਆਂ, ਇਸ ਵਾਰ 43 ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬੀਜ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜੂਗਾ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲਵਾਇਆ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 34,894 ਚਿੱਠੀਆਂ ਟੋਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ। ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 3-4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦਾ। ਠੀਕ, ਅਗਰ ਸਹਿਯੋਗ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 1,00,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ 1,000 ਬੀਜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 500 ਲਾਏ, ਬਾਕੀ ਦੇ 500 ਉਹ ਵੀ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਾਂ ਸਰਸਾ ਜਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਿਆਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਰ 5ਵੇਂ 7ਵੇਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂ 10ਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੰਡਦਾ, ਕੋਈ 2,000, ਕੋਈ 500, ਕੋਈ 20, ਕੋਈ 50, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੋਕ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਮਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਕਪਾਸ, ਨਰਮਾ ਔਰ ਕਣਕ ਕੀ, ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ CICR ਮੇਂ BT ਕਾਟਨ ਕੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਵੀ ਲਗਾਈ ਥੀ। ਜੀ ਜੀ, ਜਬ BT ਕਾਟਨ ਕਾ ਦੌਰ ਥਾ ਉਸਕਾ ਫਾਇਦਾ ਮੁਝੇ ਲਗਤਾ ਹੈ ਆਪਕੋ ਵੀ ਮਿਲਾ ਹੋਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪਨੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਕੀ ਔਰ ਫਰੂਟ ਕੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਅਬ ਜੋ ਸਬਸੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਜੀ ਖੇਤੀ ਮੈਂ ਸਮਝਤਾ ਹੂੰ ਸਰਸਾ ਕੇ ਲੀਏ, ਵੋ ਹੈ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ, ਜੀ ਫੂਲੋਂ ਕੀ ਖੇਤੀ। ਜੀ ਜੀ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਜਾਣਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਇਸਕੇ ਲੀਏ, ਔਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣੇ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਸਰਸਾ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ, ਆਪ ਸਰਸਾ ਕੋ ਜੀ ਫੂਲੋਂ ਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਰ ਲੈ ਆਏ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਕੇ, ਜੀ ਐਸਾ ਕੈਸੇ ਸੰਭਵ? ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਥਾ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਤਾ ਥਾ ਕਿ ਹਮ ਸਫਾਈ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਸਾਫ ਕਰਨੇ ਕਾ ਯਹੀ ਤਰੀਕਾ ਥਾ ਕਿ ਜਹਾਂ ਹਮ ਸਫਾਈ ਕਰੇਂ ਵਹਾਂ ਫੂਲ ਲਗਾ ਦੇ, ਉਹ ਹਮਾਰੀ ਸਫਾਈ ਸਥਾਈ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਉਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਪੜੀ ਥੀ, ਪਰਿਆਵਰਣ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਥੀ, ਲੋਕ ਪੇੜ ਲਗਾਤੇ ਥੇ ਔਰ ਪੇੜ ਸੁੱਖ ਜਾਤੇ ਥੇ। ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਫੂਲੋਂ ਮੇਂ ਪੇੜ ਲਗਾ ਦਿਆ ਤੋ ਉਸਕੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਕਾ ਫੂਲੋਂ ਵਾਲਾ ਪੌਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਕੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਕੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਤਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਲਗਾਉਣੇ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਹੁਆ ਜੋ ਪੇੜ ਹੈ ਵੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਜਹਾਂ ਵੀ ਵਨ ਲਗਾਏ ਜਾਏ ਜੀ, ਵਹਾਂ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਫੂਲ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਏ ਜੀ, ਤੋ ਵਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਸੁੰਦਰਤਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਅਬ ਤੱਕ ਅਨੁਭਵ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੀਏ, ਜੋ ਜਹਾਂ ਪੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਉਨਕਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਤੋ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਟਾਈਪ ਕੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤੇ ਹੈ, ਉਸਮੇ ਮੈਂ ਦੇਖਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਫੂਲ ਲਗਾ ਦੀਏ ਤੋ ਆਪਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੋ ਆਪਕੇ ਵਰਿਕਸ਼ ਮਰਨੇ ਕਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਕੀ ਜੇ ਫੂਲੋਂ ਕੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਓਰਲੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਮ ਹੈ, ਜੀ ਆਪ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੀ ਸੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੇਤੇ, ਜੀ ਜੀ ਖਰਚ ਇਸ ਪਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕੋ ਜੀਵਨ ਕੋ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕੁਛ ਤੋ ਅਲੱਗ ਸੇ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਕਿਆ ਆਪਨੇ ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਨਕਮ ਕਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੇ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਖੁਦ ਕੀ ਬਣ ਸਕੇ? ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਤੋ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭੀ ਪੱਕੇ ਘਰੋਂ ਮੇਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਜ ਵੀ ਕੱਚੇ ਘਰ ਮੇਂ ਹੂੰ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਪੇ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਸਾਲ ਭਰ ਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ 20 ਰੁਪਏ ਕੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਕਾ ਖਰਚ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਲੀਪਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਗੋਬਰ ਕਾ ਖਰਚ ਹੈ, ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਮ ਖਰਚ ਮੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ। ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਅਕੇਲੇ ਫੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਨੇ ਇੱਕ NGO ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਪਸੀ ਨਾਮ ਸੇ, ਜੀ ਜੀ, ਉਸਕੀ ਆਜ ਕੇ ਦਿਨ ਕਿਆ ਸਟੇਟਸ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ NGO ਐਕਚੁਅਲ ਮੇਂ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ,
जब मैं शुरू में पौधे लगा रहा था तो मुझे पहले साल 20,000 पौधे बांटने में भी दिक्कत हुई, दूसरे मैं उसको बढ़ाना चाह रहा था, तो उसमें जो आपसी एनजीओ है उसको जो लीड करते हैं वो कुमार सुनील गुलाटी जी हैं, आप आईएएस हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं हरियाणा गवर्नमेंट में, वो आपको मैंने रिक्वेस्ट की, मेरे से बहुत प्रेम करते थे वो, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इस तरह से मैं पौध जो है ना वो बांट नहीं पा रहा हूं और मैं इसको अरबों में ले जाना चाहता हूं, तो उन्होंने इसको बांटना स्टार्ट किया, मैं उसका सदस्य था, आपसी एनजीओ का सदस्य था, तो ये एनजीओ में मैं जुड़ा हूं, मुझसे एनजीओ नहीं है, मैं एनजीओ से जुड़ा हूं और मेरा पूरा वितरण का जो काम है, कहीं भी किसी अधिकारी को कहना है, एडमिनिस्ट्रेटर को कहना है, तो वही मेरे पास एक रास्ता है कि इसको ऐसे बांटना है, तो वहां से बांटने का टोटल काम वहां से होता है, मेरा काम सीड बनाना, उसको बीजना, उखाड़ के देना, लोग कैसे आएंगे ये वो देखते हैं। आपने सरसा, सरसा के स्कूलों में, फिर हरियाणा में और उसके बाद पंजाब में, और सुनने में आई है कि आपके जो फूल हैं जी जी, अब दिल्ली में जहां सरकार है, जहां जी सारी पावर है जी जी, वहां भी अपनी महक जी जी फैला रहे हैं, बिल्कुल बारे बताइए दिल्ली तक कैसे पहुंचना है। देखिए शुरुआत में तो हम एक जोहड़ के किनारे थे, अब धीरे धीरे लोगों में ही बढ़ता चला गया ऑटोमेटिक, मैंने इस बार दिल्ली की सरकार को भी अप्रोच किया कि आपने, मैंने टीवी में देखा था कि वो हॉस्पिटल्स और स्कूल उन्होंने बहुत बढ़िया डेवलप किए हैं, तो गवर्नमेंट जो है मुझसे ले ले, गवर्नमेंट नहीं ले पाई, लेकिन फिर गुलाटी जी ने ही कोई इस तरह का किया, कोर्ट के माध्यम से वो लोग आए और दो ट्रक जो है ना यहाँ से पौध के गए और वो दिल्ली में मेरे को दिखाई दी कि वो सुंदर लग रही है, अभी हम इस बार राजस्थान में भी काफ़ी दूर तक चले गए हैं, नेक्स्ट ईयर हम सीतापुर में 5.5 एकड़ जमीन ले चुके हैं जिसमें हम अगले साल पौध लगाएंगे। आपने इनकी सिंचाई के लिए मॉडर्न जो है ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर्स लगाए जी जी, तो क्या सरकार इस पे कोई अनुदान खास करके फ्लोरिकल्चर को लेकर के देती है या ऐसा कोई प्रावधान? मैंने अभी तक कोई इस तरह का वो नहीं किया है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं सोलर पे जा पाऊँ क्योंकि मेरे पास अब पैसा नहीं है, तो मतलब डीजल जो है वो पोल्यूशन करता है, मैं सोलर पे जाना चाह रहा हूँ लेकिन उसके लिए थोड़ा दिक्कत महसूस करता हूं। अक्सर कहते हैं कि लीडर लीड्स अदर्स फॉलो जी जी, तो आपसे प्रेरणा लेके कोई आप ही की तरह का प्रोजेक्ट किसी और ने आपकी जानकारी में? हाँ, सैकड़ों बहुत सारे लोग स्कूल्स में टीचर्स हैं, देखिए मैं बहुत सारे तो नाम ले सकता हूँ, विकास जी हैं फाजिलका से, आपने इस बार 3 पॉइंट इस तरह के फूलों को बनाए, तीनों मेरे से बड़े हैं, आपके यहाँ हर साल सीड थोड़ा बहुत हमें देते हैं लेकिन इस साल मैं उम्मीद करता हूँ कि मिनिमम 1 अरब सीड हमें वहाँ से आएगा, उसमें मैं उनका सहयोग तो कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने टोटली इनिशिएटिव उनका अपना है, उन्होंने सीखा मेरे से लेकिन आज वो खुद ही कर रहे हैं, ऐसे ही हर चौथे पांचवें स्कूल में, चौथे पांचवें गांव में लोग जो है वो बांटते हैं, हर चौथे पांचवें, अब बहुत सारे शमशान घाट है हमारे एरिया में, देखिए आप अगर कहीं जाते होंगे सिरसा के आसपास तो शमशान घाटों में फूल खिले हैं, वो लोग भी सब शमशान घाटों वाले भी अब बांटने लगे हैं। आप मिडिल एज में हैं जी, बहुत सारा टाइम आपने पहले और कामों में लगाया लेकिन अब आप पूरी तरह से समर्पित हैं इसके लिए जी जी, कितना टाइम आप डिवोट करते हैं फूलों पर? मैं अगर एक दिन के लिए भी कहीं चला जाता हूं तो मेरी आत्मा यही रह जाती है, मैं 2400 घंटे यही रहता हूं, चाहे इस पॉइंट पे हूं, सिंहपुरा के पॉइंट पे